दोस्तों, हमारे देश के राष्ट्रीय राजनीति में दो प्रमुख दल हैं जो पिछले 75 सालों से, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक, यही दो दल जो है सरकारें बनाती हैं और यही दोनों सरकारें बिगाड़ती हैं, जो कि जिनमें पहले नंबर पे कांग्रेस, दूसरे नंबर पे बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जो यही दोनों दल हैं जो पिछले 75 साल से हमारे देश में सरकारें राष्ट्रीय राजनीति में, राष्ट्रीय केंद्र में हमारे देश के जो है यही दोनों दल जो है सरकारें बनाती आई हैं। इन्हीं दोनों दलों का प्रधानमंत्री अभी तक, हमारे आज़ादी के बाद से अब तक हमारे देश में इन्हीं दो दलों का जो है प्रधानमंत्री बनता आया है। पर दोस्तों, इन दोनों दलों का जो ये प्रमुख दल हमारे राष्ट्रीय राजनीति में है, इन दोनों दलों का जो चुनाव चिन्ह है आज का, जैसे कि कांग्रेस का हाथ का पंजा और भाजपा का जो है कमल का फूल, दोस्तों ये दोनों दल के जो है चुनाव चिन्ह जो आज हैं, ये दोस्तों आज़ादी के बाद से नहीं, या यूं कहे कि जब से ये पार्टियाँ बनी हैं तब से ही इन दोनों का चुनाव यही नहीं है। दोस्तों समय समय पर इन दोनों दलों का चुनाव चिन्ह बदलता रहा है। आज हम इस वीडियो में दोस्तों यही जानेंगे कि इन दलों का चुनाव चिन्ह पहले क्या था, और दोस्तों इन दोनों दलों का चुनाव चिन्ह कब और कैसे बदला। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही नॉलेजबल वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना, और वीडियो को आखिर तक देखें, बहुत ही नॉलेजबल वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि जो है दोस्तों इन दोनों दलों का, कांग्रेस और बीजेपी का जो है चुनाव चिन्ह कितनी बार बदला और पहले क्या था। दोस्तों, कांग्रेस और बीजेपी के जो चुनाव चिन्ह है, इनके जो है पीछे की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। इनके चुनाव चिन्ह के चुने जाने की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। दोस्तों, आप शायद इस बात से अनजान होंगे कि इन पार्टियों के लगभग तीन बार चुनाव चिन्ह बदल चुके हैं। दोस्तों, आज़ादी के बाद से लगभग इन दोनों पार्टियों का तीन बार चुनाव चिन्ह बदल चुके हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे की, जो कि दोस्तों हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे ज़्यादा दिनों तक सरकार चलाने वाली पार्टी है। इसका हाथ का पंजा जो चुनाव चिन्ह है दोस्तों, ये कब बना और इससे पहले चुनाव चिन्ह कांग्रेस का क्या था, हम सबसे पहले ये जानेंगे, उसके बाद भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के बारे में जानेंगे। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह आज़ादी के बाद जो था, वो था दो बैलों की जोड़ी। और दोस्तों, कांग्रेस ने आज़ादी के बाद पहला चुनाव भी इसी चुनाव चिन्ह पर लड़ा और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो है नेतृत्व में सरकार बनाई, और 1970 तक इसी चुनाव चिन्ह पर जो है कांग्रेस चुनाव लड़ती आई। फिर दोस्तों 1970 में जो है कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ और पार्टी दो भागों में बट गई। जो पार्ट, जो इंदिरा गांधी से जो नेता बगावत करके अलग हुए दोस्तों, उन्होंने अलग पार्टी बनाई, कांग्रेस ओ, और जो इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस थी उसका नाम रखा गया कांग्रेस आई। तो दोस्तों, जो कांग्रेस से अलग हुई उसके बाद हम ना करें, जो कि क्योंकि उसका जो है दोस्तों, ये जो आज का जो कांग्रेस है उससे कोई लेना देना नहीं है, और हम इस वीडियो में आज के कांग्रेस के चुनाव चिन्ह के बारे में बात करते हैं। वो जो दोस्तों अलग नेता होकर कांग्रेस बनाए थे दोस्तों, उनको चुनाव चिन्ह जो है चरखा मिला था, पर दोस्तों वो इस कांग्रेस से उसका कोई नाता नहीं है, क्योंकि वो नेता अलग होकर एक पार्टी बनाए थे। अब दोस्तों, जो इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस आई थी दोस्तों, उसको जो है, जो जब दोस्तों दो पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी दो भागों में बट गई, तब दोस्तों जो है दो बैलों की जोड़ी चुनाव चिन्ह दोस्तों विवादित हो गया, और दोस्तों चुनाव आयोग ने इस जो है चुनाव चिन्ह को जब्त कर लिया, और दोस्तों जो कांग्रेस से अलग होकर नेताओं ने पार्टी बनाई थी उसको चुनाव चिन्ह मिला चरखा, और इंदिरा गांधी जी के जो है कांग्रेस जो थी, कांग्रेस आई, उसको चुनाव चिन्ह मिला गाय और बछड़ा। दोस्तों दो बार चुनाव चिन्ह अभी तक, दो 1970 तक दो चुनाव चिन्ह हो गए। पहला जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जब पहली बार कांग्रेस ने सरकार बनाई और पहला चुनाव लड़ा, तब उनका चुनाव चिन्ह था दो बैलों की जोड़ी, और उसके बाद जब 1970 में विभाजन हुआ पार्टी का, तब जो इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस बची उसको मिला दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब पार्टी का विभाजन हुआ तो जो चुनाव चिन्ह दो बैलों की जोड़ी था वो विवादित हो गया। जो अलग नेता हुए थे वो कह रहे थे हमको दो, और जो इंदिरा गांधी जी कह रहे थे हमको दो। जैसे कि हाल में ही अभी एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ शिवसेना में बगावत, अब दोस्तों जो बागी हुए वो भी कह रहे हैं हम शिवसैनिक हैं, और जो अभी जो उद्धव ठाकरे का गुट है वो भी कह रहे हैं हम शिवसैनिक हैं। शिंदे गुट भी कह रहा है हमको शिवसेना का अधिकार दो, और उद्धव ठाकरे गुट भी कह रहा है जो है शिवसेना का जो है हमको चुनाव चिन्ह और उसका जो है अधिकार हमको दो। उसी तरह दोस्तों जो कांग्रेस से अलग हुए नेता थे वो भी कह रहे थे दो बैलियों की जोड़ी जो है हमको दो चुनाव चिन्ह, इंदिरा गांधी जी कह रही थी हमको दो। इसी वजह से दोस्तों चुनाव आयोग ने उस चुनाव चिन्ह को जब्त कर लिया और एक नया चुनाव चिन्ह दिया इंदिरा गांधी जी को, गाय और बछड़ा। तो यहाँ तक 1970 तक दो चुनाव चिन्ह बदल गया था दोस्तों। अब बात आती है हाथ के पंजे तक। 1970 का चुनाव जब आया, 1970 तक दोस्तों गाय और बछड़ा चुनाव चिन्ह पर ही कांग्रेस चुनाव लड़ती आई, पर दोस्तों 1975 के इमरजेंसी के बाद जब जो है 1977 का चुनाव आया, तब दोस्तों इस ये भी चुनाव चिन्ह जो गाय और बछड़ा था इसको भी जो है चुनाव आयोग ने जब्त कर लिया, और दोस्तों इस जो है
इस चुनाव में दोस्तों लोकसभा चुनाव में 1977 में इमरजेंसी के बाद जो इंदिरा गांधी जी बुरी तरीके से चुनाव हार गई, बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता इस चुनाव को 1977 में जो है हार गए। फिर दोस्तों इंदिरा गांधी जी ने एक बार फिर से कांग्रेस का चुनाव चिन्ह बदला और 1980 का जब लोकसभा चुनाव आया तब तक दोस्तों जो है कांग्रेस का जो है चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा हो गया था। तब दोस्तों 1980 से लेकर आज तक जो है कांग्रेस पार्टी हाथ के पंजे चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ती आई है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने 3 बार आज़ादी के बाद चुनाव चिन्ह बदला। सबसे पहले था जो है आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में दो बैलों की जोड़ी, उसके बाद 1970 में हुआ जो है गाय और बछड़ा, उसके बाद 1980 में दोस्तों हो गया पंजा चुनाव चिन्ह। उसके बाद से लेकर आज तक दोस्तों कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा ही है। दोस्तों अब हम बात करते हैं भाजपा के चुनाव चिन्ह के बारे में, कमल के फूल के बारे में। कमल का फूल से पहले भाजपा का चुनाव चिन्ह क्या था? तो दोस्तों जो आज की बीजेपी है यानी कि भारतीय जनता पार्टी, जो आज की कमल के फूल वाली भारतीय जनता पार्टी है, इसका पहले जो है दूसरा रूप हुआ करता था जिसका नाम था जनसंघ। बीजेपी भाजपा जो है पहले जनसंघ के नाम से जानी जाती थी और भाजपा जो है नहीं थी दोस्तों, पहले इसका दूसरा रूप था जनसंघ जो है। पहले भाजपा जनसंघ के रूप में थी और जनसंघ के नाम से जानी जाती थी, भाजपा का दूसरा रूप था। तो दोस्तों उस टाइम जो है जनसंघ का जो है चुनाव चिन्ह था वो था दीपक जलता हुआ दीपक। उसके बाद दोस्तों 1977 में जब 1975 की इमरजेंसी के बाद दोस्तों 1977 में आम चुनाव आए, लोकसभा के चुनाव आए, तब दोस्तों कई जो है पार्टियां ने मिलकर इंदिरा गांधी जी के खिलाफ जो है विपक्ष के नेता जो थे वो एकजुट होकर एक गठबंधन बनाया, एक पार्टी का जो है निर्माण किया जिसका नाम रखा गया जनता दल। कई जो है बड़े बड़े नेता, कई छोटी बड़ी पार्टियां मिलाकर उस जो है उस पार्टी में विलय करके जनता पार्टी का गठन हुआ। उसी में दोस्तों जनसंघ ने भी विलय कर लिया जनता पार्टी में। फिर दोस्तों जब 1977 में जनसंघ ने जो है जनता पार्टी में अपना विलय कर दिया तब उसको चुनाव चिन्ह मिला हलधर किसान। फिर दोस्तों समय आया 1980 का और दोस्तों उस समय जनसंघ के जो नेता जनता पार्टी को अपना समर्थन दिए हुए थे उन्होंने अपने आप को जनता पार्टी से अलग कर लिया और दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1980 को जो है जो दोस्तों एक जो है नई पार्टी का गठन इन्होंने किया जिसका नाम रखा गया भारतीय जनता पार्टी और उसका चुनाव चिन्ह रखा गया कमल का फूल। तब से लेकर 1980 से लेकर दोस्तों आज तक दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। तो दोस्तों इस तरह बीजेपी का भी लगभग तीसरा चुनाव चिन्ह है क्योंकि दोस्तों 1980 में जब बीजेपी नाम रखा गया इस पार्टी का तब तक इससे पहले इसका दूसरा रूप था जनसंघ, फिर जनसंघ ने अपने आप को जनता पार्टी में विलय किया, उसके बाद फिर जनता पार्टी से अलग होकर फिर अपनी एक नई पार्टी का नाम रखा जिसका नाम रखा भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी। उसके बाद से कमल का फूल आज तक भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तो दोस्तों पहले था दीपक जनसंघ के ज़माने में, फिर जब जनता पार्टी में विलय हुआ तब हो गया हलधर किसान, फिर दोस्तों जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ 1980 में तब इसका चुनाव चिन्ह हो गया कमल का फूल। तब से लेके आज तक जो है इस भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कांग्रेस के चुनाव चिन्ह और जो है बीजेपी के चुनाव चिन्ह के बारे में आप लोगों को पता हो गया होगा कि कितनी बार जो है इन्होंने चुनाव चिन्ह बदला और आज़ादी से पहले आज़ादी के बाद जो है इनका चुनाव चिन्ह क्या था और कब बदला, कैसे बदला, क्या क्या था। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। तब तक के लिए आपका दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।